सो मैं कैपकट ऐप को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करने के बाद आप लोग जिस वीडियो के ऊपर कलर चेंज करना चाहते हो उस वीडियो को इनपुट कर लेना है। सो मैं फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए इस वीडियो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर टैप कर दिया। टैप करने के बाद हमारा जो वीडियो है वो आ चुका है। सो मैं इसका जो साउंड क्वालिटी है इसको मैं अप कर देता हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा। सो इसको मैं साउंड को अप कर दिया। अप करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ नॉर्मल से वीडियो। सो देख सकते हो इसका जो कलर है इसको हम चेंज करके आप लोगों को दिखाएंगे। सो इसको मैं कलर चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले इस वाले टूल्स में आ जाना है। आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आप लोगों के पास। इसके ऊपर आने से HSL वाले ऑप्शन में आ जाना है। इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद देख सकते हो बैकग्राउंड के ऊपर है ग्रीन कलर। इसके लिए हम लोग को ग्रीन कलर चूज़ करना चाहिए। हम लोग ग्रीन कलर चूज़ कर लेते हैं। ग्रीन कलर चूज़ करने के बाद आप लोगों को ह्यू को थोड़ा प्लस करना है। देख सकते हो ह्यू को प्लस कर रहा हूँ। उतना होने के बाद आप लोगों को रेजोल्यूशन को भी थोड़ा सा प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद सैचुरेशन को भी थोड़ा सा प्लस कर देना है। सो देख सकते हो हमारे जो मॉडल का जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो गया। सो देख सकते हो आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। सो देख सकते हो आप लोग हमारा जो कलर एडिटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड इतना होने के बाद हमारे जो मॉडल का जो फेस है वो थोड़ा सा काला हो चुका है। इसके लिए आप लोग को फिर से इस वाले टूल्स में आ जाना है। उसको थोड़ा सा माइनस करना है। माइनस करने के बाद इसको प्लस कर देना है। सो देख सकते हो इतना होने के बाद इस वाले कलर में फिर से आ जाना है। इसको भी थोड़ा सा माइनस कर देना है सैचुरेशन को। सो देख सकते हो इतना होने के बाद आप लोगों को इस वीडियो को इसको सेव करने के लिए ऊपर देख सकते हो इसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद हमारे जो इस ऐप का काम हो चुका है। इसके बाद हम लोग को आ जाना है वीटा ऐप के अंदर। उसमें आप लोगों को सिखाऊंगा बुके इफेक्ट कैसे डाल सकते हो वीडियो में। सो इसको वीडियो को सेव करते हैं, चलते हैं वीटा ऐप में। सो हे गाइस, मैं वीटा ऐप के अंदर आ चुका हूँ। आने के बाद इस ऐप का लिंक चाहे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो इसके ऊपर फिर से टैप करना है न्यू प्रोजेक्ट। इसके ऊपर टैप किया। मैं अभी जिस वीडियो को सेव किया उसको मैं इनपुट कर लेता हूँ। सो मैं इस वीडियो को सेव किया हूँ, इसको मैं इनपुट कर लेता हूँ। सो देख सकते हो कुछ लोडिंग लगा। होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो आ चुका है। आने के बाद हम लोग को बुके डालना है वीडियो के अंदर। सो उसके लिए आप लोगों को चाहिए इस वाला टूल्स। इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद इसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप लोगों को इस वाले पिजेट को इसके ऊपर टैप कर देना है। सो देख सकते हो हमारा जो बुके है वो आ चुका है। इतना होने के बाद इसमें राइट कर देना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद फिर से इधर आ जाना है। आने के बाद इधर से फिर से इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को फिर से एक प्रीसेट को अप्लाई करना है। सो मैं प्रीसेट को अप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को। फिर से आ जाना है, इसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप लोगों को ऊपर सेलेक्ट करना है। देख सकते हो ये वाला प्रीसेट है, इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसके ऊपर टैप किया। टैप करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा जो प्रीसेट है कैसे काम कर रहा है। देख सकते हो प्ले करके देखा रहा आपको। सो फुल वीडियो को प्ले करके आप लोग को देख सकते हो। प्ले कर रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग कैसे हमारे जो वीडियो है किस तरह से काम कर रहा है। सो इस वीडियो को सेव करने के लिए इस पहले इस बोर्ड के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद देख सकते हो हमारे जो वीडियो है सेव हो रहा है।